टोयोटा मोटर्स ने फाइनली आज अपने न्यू इनोवा हाईक्रॉस को इंडिया में रिवील कर दिया है, जिसमें काफी बढ़िया एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक्स, फीचर्स, बढ़िया माइलेज मिलने वाला है। तो ये वीडियो काफी डिटेल में होने वाली है, तो अगर आप भी इनोवा हाईक्रॉस के बारे में हर एक डिटेल जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनोवा हाईक्रॉस के डायमेंशन से। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इनोवा हाईक्रॉस इनोवा क्रिस्टा से लेंथ, विड्थ और व्हील बेस तीनों ही डायमेंशन में इनोवा क्रिस्टा से बहुत बड़ी है। पर जब बात आती है हाइट की तो इनोवा क्रिस्टा इनोवा हाईक्रॉस से थोड़ी हाइटेड। अब बात कर लेते हैं इनोवा हाईक्रॉस में मिलने वाले एक्सटीरियर फीचर्स की। एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी फॉग लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग कैमरा, 12 फंक्शनल एलईडी डीआरएल्स, क्रोम ग्रिल, ये कुछ फीचर्स इसके फ्रंट साइड में मिल जाते हैं। बात करेंगे साइड प्रोफाइल की, 18 इंचेस सिल्वर कलर अलॉय व्हील्स, ओआरवीएम विथ टर्न सिग्नल एंड पार्किंग कैमरा, क्रोम डोर हैंडल, ये कुछ फीचर्स इसके साइड प्रोफाइल में मिल जाते हैं। वहीं पे इसके रियर साइड में एलईडी टेल लाइट्स, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर, डिफॉगर, स्पॉइलर, रियर पार्किंग कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, ये सारे फीचर्स इसके रियर प्रोफाइल में मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनोवा हाईक्रॉस में मिलने वाले इंटीरियर फीचर्स की। वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ विथ रूफ माउंटेड एसी एंड मूड लाइट, डुअल टोन डैशबोर्ड विथ सॉफ्ट टच, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर्ड टेलगेट, 360 डिग्री कैमरा, रियर सनशील्ड, जेबीएल के 9 स्पीकर्स विथ सब वूफर, 8 वे पावर्ड एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विथ मेमोरी फंक्शन, डुअल जोन एसी फ्रंट और रियर साइड में, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, 10.1 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन विथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट, सेकेंड रो सीट्स विथ पावर्ड ऑटोमैन फंक्शन एंड लॉन्ग स्लाइड, पेडल शिफ्टर्स, ड्राइव मोड्स, 65+ कार कनेक्टेड फीचर्स लाइक रिमोट एसी, रिमोट इंजन ऑन ऑफ, लॉक अनलॉक, रिमोट इमोबिलाइजर, व्हीकल हेल्थ, ये सारे के सारे फीचर्स इनोवा हाईक्रॉस के इंटीरियर में हमें मिल जाते हैं। न्यू इनोवा हाईक्रॉस के सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसमें टोयोटा सेफ्टी सेंस एडास फीचर देखने को मिलते हैं, जो कि टोयोटा के अदर ग्लोबल कार्स में हमें मिल जाते हैं। वही सेम सेफ्टी फीचर्स इनोवा हाईक्रॉस में इंडिया में मिलने वाले हैं, जिसमें कि डायनेमिक रडार, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, प्री कोलिजन सिस्टम, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन ट्रेस असिस्ट, ये सारे फीचर्स इसके टोयोटा सेफ्टी सेंस में मिल जाते हैं। उसके अलावा 6 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये कुछ फीचर्स इनोवा हाईक्रॉस में हमें मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेफ्टी वाइज भी टोयोटा ने इनोवा हाईक्रॉस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में सुपर व्हाइट एटीट्यूड ब्लैक माइका, ब्रॉन्ज मेटालिक, सिल्वर मेटालिक, स्पार्कलिंग ब्लैक पर्ल, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, ब्लैकिश ग्लास फ्लेक, ऐसे टोटल 7 कलर ऑप्शंस इनोवा हाईक्रॉस में हमें मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनोवा हाईक्रॉस में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। तो इनोवा हाईक्रॉस में हमें सिर्फ 2 पेट्रोल इंजन मिलेंगे, डीजल इंजन का ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराया है। और उन दोनों पेट्रोल इंजन में से एक पेट्रोल इंजन नॉर्मल रहेगा और दूसरा वाला पेट्रोल इंजन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगा। तो नॉर्मल 2 लीटर का पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है 168 bhp के पावर और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ये इंजन सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है। बात करेंगे दूसरे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के बारे में, तो ये इंजन कंबाइन पावर प्रोड्यूस करता है 184 bhp की पावर और 188 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इस इंजन के साथ भी हमें ECVT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। यानी कि टोयोटा के इस न्यू इनोवा हाईक्रॉस में हमें किसी भी प्रकार का मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलने वाला, इसमें हमें CVT और ECVT ये 2 ट्रांसमिशन ही मिलेंगे। और रही बात फ्यूल एफिशिएंसी की, तो टोयोटा क्लेम करता है अपनी न्यू इनोवा हाईक्रॉस में 21.1 किलोमीटर की माइलेज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन। टोयोटा की इस न्यू इनोवा हाईक्रॉस में टोटल 5 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 वेरिएंट्स नॉर्मल पेट्रोल के रहेंगे और 3 वेरिएंट्स स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वेरिएंट्स के रहेंगे। नॉर्मल पेट्रोल में GSLF और GX ये 2 वेरिएंट्स आते हैं, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में VX, ZX और ZX ऑप्शनल, ऐसे 3 वेरिएंट्स इनोवा हाईक्रॉस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में आते हैं। और रही बात इन सारे ही वेरिएंट्स के प्राइसिंग की, तो टोयोटा अपने न्यू इनोवा हाईक्रॉस की प्राइसिंग जनवरी 2023 में अनाउंस करने वाले हैं, और इस गाड़ी की डिलीवरीज भी 2023 के जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन टोयोटा के न्यू इनोवा हाईक्रॉस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।